नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पनीर टकाटक की रेसिपी बता रहे हैं। पनीर टकाटक कैसे बनता है इसकी बहुत ही अच्छी रेसिपी बताएंगे। ये देखिए, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। ये देखिए, बिल्कुल लजीज सब्जी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी, आप घर पे बना सकते हो। चलो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पनीर को ऐसे क्यूब में काटा है, थोड़ा डिजाइन में क्यूब करके काटा है। एक टमाटर को बारीक चॉप, दो गार्लिक, तीन हरी मिर्च और एक प्याज और शिमला और ये थोड़ा प्याज और प्याज, ये वाला प्याज, ये भी क्यूब में काट को अच्छे से क्यूब में काट लिया है। आज हम आपको पनीर टकाटक की रेसिपी बता रहे हैं। पनीर टकाटक कैसे बनाया जाता है। एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। ये देखिए, ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। बोलो बोलो, ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो रहा है। अच्छे से गरम हो चुका है ऑयल हमारा। थोड़ा सा प्याज डाल के देख लिया, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें दो तेज पत्ते, एक खड़ी मिर्च डाली है, लाल खड़ी मिर्च डाली है क्योंकि हम आज पनीर टकाटक बना रहे हैं। जीरा ऐड कर दिया इसमें। अरे वो तो बहुत कुछ होगा। जीरा को अच्छे से फ्राई करेंगे। हमको ही पता वो तो। देखिए, थोड़ा गार्लिक ऐड करा है, हरी मिर्ची को ऐड कर देंगे, थोड़े प्याज को फ्राई, प्याज डाल दी हमने, टमाटर अच्छे से फ्राई करेंगे। सबको हल्का हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए अच्छे से फ्राई किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा मसाला पकाया जा रहा है। मीडियम फ्लेम आज पे, गैस की फ्लेम इस पे कम ही रखेंगे, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं नंबर बाय नंबर कर रहा हूँ, भले रूम तो बोलते रहना। नमक, देखिए स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी, सबको अच्छे से फ्राई करेंगे। कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, इससे टेस्ट बढ़ जाता। किचन किंग, मीडियम आंच पे अच्छे से मसाला पकाया जा रहा है। ये दवे का गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं हम। ये दवे का गरम मसाला ऐड कर दिया है। थोड़ा सा और पुष्प का गरम मसाला, अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। थोड़ा पानी ऐड करके उसको अच्छे से पका लेंगे मसाले को, जिससे हमारा मसाला जलेगा नहीं। धनिया ऐड कर दिया थोड़ा। ये देखिए, थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मसाला पकाया जा रहा है। अभी दोस्तों, पनीर टकाटक कैसे बनता है हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। ग्रेवी ऐड करिए, जो हमने प्याज और टमाटर की पीस के बना रखी है अच्छे से, वो इसमें ऐड कर दिए। अच्छे से ग्रेवी को पका लेंगे थोड़ा और। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको पकाएंगे। प्याज ऐड करें, पुष्प का मसाला ऐड कर दिया थोड़ा, टेस्ट के लिए, इससे टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है, चटपटा। स्पाइसी ट्रीट करके आता है पुष्प का मसाला, जिसे आप मैजिक मसाला भी बोल सकते हो, मैजिक मसाला। ये देखिए, अच्छे से ग्रेवी को पका रहे हैं हम। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, धीरे धीरे इसमें तेल छोड़ जाएगा ग्रेवी में, इससे हमको पता चल जाएगा हमारी ग्रेवी। ये पनीर हम ऐड कर दिया।
बहुत ही अच्छी आसान रेसिपी है पनीर टकाटक की, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो इसको। ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, तेल छोड़ दिया सारे मसालों ने, थोड़ा सा और नमक स्वाद अनुसार, नमक आप बाद में भी ऐड कर सकते हो जैसा आपको लगे, कम खाते हो थोड़ा कम दे बाद में ऐड कर सकते हो। थोड़ा और पानी डाल के पका लेंगे ग्रेवी को। ये हमारी सब्जी तैयार होने लगी है, बहुत ही अच्छी सुगंध है इसकी, देखिए बहुत ही आसानी से हमारी सब्जी बन चुकी है। तो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है हमारी दोस्तों हमारी सब्जी। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और रोज़ रोज़ नए वीडियो देखिए, रोज़ नई नई रेसिपी। धन्यवाद।